नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और देखिए, आपके SSC GD के जो फिजिकल्स आपके 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए जो आपके फिजिकल के जो सेंटर्स हैं वो आपके बना दिए गए हैं। तो उसके लिए आपके जो फिजिकल्स हैं आपके जहाँ जहाँ होंगे वो सेंटर्स आपके ऑलरेडी बना दिए गए हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि आपके जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो कहाँ पर बनाए गए हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर जाके आप ये मत सर्च मारिए कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। जब रिजल्ट आएगा एक दो दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट आएगा आपका, फिजिकल होने वाला है ये 15 तारीख से ही। आपके पास बहुत कम समय है। अगर आप YouTube पर जाएंगे तो आपको हजारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे तो दो दो तीन तीन दिन पहले ही रिजल्ट आउट करा के रखे हैं और लाइव चल रहे हैं और इतना व्यूज ले रहे हैं और बच्चों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो उनके झांसे में मत पड़िए, आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा। बट एक चीज आप याद रख लीजिए, आपका अगर फिजिकल अगर आप फेल हो गए, आप अगर फिजिकल में आप फेल हो गए तो ये समझ लीजिए आपको इतना इतना अफसोस होगा ना, कभी आपको अफसोस नहीं होगा इतना, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ तो मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। तो आप अपने फिजिकल पर पूरी पकड़ रखिए, अपना अच्छे खासा फिजिकल मारिए, ठीक है। क्योंकि इस बार 15 से आपके होने वाले हैं ना, तो इस बार देख लेना कितना फेल होगा बच्चा। क्योंकि नॉर्मली अगर पिछले वाले की बात करोगे तो 33% के समथिंग ही बच्चा पास था फिजिकल में। तो इस बार तो ये मान लीजिए अगर 15 अप्रैल हो गया ना, तो वही रह जाएगा 20 से 25% के समथिंग आपका। ये समझ लीजिए जब आपका मेडिकल के लिए आपकी लिस्ट आएगी ना, तो एक भी नंबर मेरिट नहीं बढ़ के जाएगी। तो इस चीज़ के लिए आप अच्छी तरीके से समझ के रखिए, आप ज़्यादा यूट्यूब पे चक्कर मत पड़िए, फिजिकल मारिए, दम से मारिए, अच्छे तरीके से लगा के मारिए दम, ठीक है। जितना भी आपके अंदर दम है सब लगा दीजिए फिजिकल के अंदर, ठीक है। आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, उसके लिए वेट मत करिए, अपने फिजिकल के लिए तैयार करिए। अब चलिए हम आपको सेंटर्स दिखा देते हैं कि आपके कहाँ कहाँ सेंटर्स बनाए गए हैं। तो देखिए, ये एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पाएंगे, थोड़ा मैं इसे देखिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं डिटेल ऑफ PST PET सेंटर फॉर CT GD एग्जामिनेशन 2022। यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही है आपको, हेडलाइंस पूरी आपकी। अब देखिए यहाँ पर जो बनाए गए हैं वो सेंटर, स्टेट देख लीजिए, स्टेट ये बिहार के हैं। आप बिहार के सेंटर्स देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आपके सेंटर्स हैं। ये देखिए BSF का सेंटर बनाया गया, ये भी BSF का है। और आप ये देखिए CRPF मुजफ्फरनगर, CRPF यहाँ पर देखेगा, SSB बेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके एग्जाम सेंटर हैं। ये आपका नाम पूरा पड़ा हुआ है, पूरा एड्रेस दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ये आपके सभी सेंटर्स बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके ये एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। हाँ, यहाँ पर हम अगर यूपी की बात करें तो आप जाइए देखिए, यहाँ पर यूपी के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये उत्तर प्रदेश के हैं आपके सभी सेंटर्स, जो कि आपके कब से कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, जो आप देख सकते हैं नंबर 10 से आपके स्टार्ट हुए हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के नंबर 10 से स्टार्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले CRPF रामपुर बनाया गया है, आप इसे देखेंगे, CRPF रामपुर बनाया गया है, जिसमें देख सकते हैं ग्रुप सेंटर CRPF रामपुर उत्तर प्रदेश, आपको यहाँ पे पिनकोड दिख जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा CRPF प्रयागराज बनाया गया है, सेंटर ऑफ CRPF आप देख सकते हैं ये प्रयागराज का है। आगे देखेंगे CISF ग्रेटर नोएडा में आपका बनाया गया है, आप इसका एड्रेस पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे ITBP जो आपका है रायबरेली, वो आपका रायबरेली बना हुआ है। SSB गोरखपुर का बना हुआ है। SSB लखनऊ में बना है। आप देख CISF बरेली में देखिए आपका ये सेंटर बना हुआ है। तो आपके ये एग्जाम सेंटर्स बन चुके हैं, आपकी डेट आपकी क्लियर है, आपकी 15 अप्रैल से आपके फिजिकल होने वाले हैं। तो आप किसके चक्कर में पड़े हो, रिजल्ट के चक्कर में पड़े हो ना, तो आप रिजल्ट आपके हाथ में अभी नहीं है, ठीक है। रिजल्ट आएगा तब आ जाएगा रिजल्ट, रिजल्ट की टेंशन मत रहिए, फिजिकल पर फोकस करिए, यूट्यूब से बचकर रहिए। यूट्यूब पर इतने डिमोटिवेट करने के लिए आपको अभी पड़े हुए हैं कि हर रोज तो 50 कट ऑफ निकाल दे रहे हैं कि ये कट ऑफ जाएगी, फलाना कट ऑफ जाएगी। ये लग रहा है कि इनके पापा ही SSC के ऑफिस में बैठते हैं, वही चेयरमैन है, तो वही निकाल रहे हैं कट ऑफ, बार बार निकाल रहे हैं कट ऑफ, ठीक है। इसके चक्कर मत पड़िए, कोई जो भी रिजल्ट आएगा एक दो दिन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। काहे परेशान हो रहे हो, फिजिकल पे फोकस करिए, 15 से फिजिकल है, फिजिकल नहीं लगेगा आपसे, ये बता दे रहा हूँ, अगर आप तैयारी अभी नहीं कर रहे हो फिजिकल नहीं लगेगा आपसे। देखो फिजिकल आपका देख सकते हो कितने, 15 अप्रैल से गर्मी हो जाती है, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी फिजिकल के लिए। अब फिजिकल पर फोकस करिए, इधर उधर मत भटकिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सटीक सही और पूरा 100% सही इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ अपने चैनल पर दे दूंगा, ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अभी तक आप अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपका ही भला है इसमें, जो भी आगे प्रोसेस होगी आपको सभी वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे आपको,
ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो यूट्यूब के चक्कर के झांसे में ना पड़े। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो पागल बना रहे हैं डे बाई डे, ठीक है, उनके चक्कर में मत पड़िए आप, ठीक है। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मुझे मतलब नहीं है उससे, ठीक है। आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हो तो मेरा ही कर्तव्य बनता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।